आज से करीब 23 साल पहले इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजेक मामले ने दुनिया को हिला दिया था। इस हाईजेक को कंधार कांड या कंधार प्लेन हाईजेक भी कहा जाता है। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के IC-841 प्लेन को आतंकवादियों ने हाईजेक कर लिया था। आप कहेंगे कंधार कांड तो हम जानते हैं, इसमें नया क्या है? हम कहेंगे कंधार की नहीं, कहानी है उस नेता का जो कंधार कांड में खूंखार आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान जाता है। सोचने वाली बात है ना, एक नेता का क्या काम? एक काम तो देश के उन वीर सपूतों का था, आतंकवादियों को ले जाते और यात्रियों को सही सलामत वापस लेकर आते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये किस्सा है उस जांबाज नेता का जो अटल की सरकार में विदेश मंत्री रहा तो खुद खतरनाक आतंकवादी मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद को लेकर कंधार जाता है और यात्रियों को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाकर वापस सकुशल भारतीय सरजमी पर वापस लाता है। कभी अटल के चहेते नेताओं में शुमार रहे तो वहीं मोदी की सरकार में दरकिनार किए गए। कहते हैं ना, राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव है, कब किसकी बाजी पलट जाए कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। लोकसभा की खास पेशकश में बात करेंगे किस्सा राजनीति का, बात करेंगे उस नेता का जो पाकिस्तान से युद्ध का कभी पक्षधर न रहा। बताएंगे आपको कि कैसे जसवंत सिंह ने युद्ध ना हो इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था। जसवंत सिंह एक ऐसे नेता थे जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से लेकर कोमा में चले जाने तक लगातार सक्रिय रहे। एनडीए सरकार में वित्त तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके जसवंत ने दिल्ली से कई मायनों में बहुत दूर बसे देश के पश्चिमी सीमा के किर्गिस्तान गाँव से दिल्ली तक का सियासी गलियारा का लंबा सफर तय किया। अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई और फिर कच्ची उम्र में ही आर्मी ज्वाइन कर लेने के बाद जसवंत सिंह ने 1966 में अपनी नाव राजनीति की नदी में उतार ली। कुछ वक्त तक हिचकोले खाने के बाद इस नाव को सहारा मिला भैरव सिंह शेखावत रूपी पतवार का। इसके बाद जसवंत 1980 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। जसवंत सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान कहा जाता रहा। हनुमान इसलिए क्योंकि 1988 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब भारत आर्थिक प्रतिबंधों की आंधी में फंसा था तब दुनिया को जवाब देने के लिए वाजपेयी ने उन्हें आगे किया था। कांधार विमान अपहरण कांड के वक्त जसवंत विदेश मंत्री थे, 3 आतंकवादियों को लेकर कांधार छोड़ने भी वही गए थे। अपनी किताब में जसवंत लिखते हैं कि कांधार जाने के फैसले का आडवाणी और अरुण शौरी विरोध किया था, लेकिन मौके पर कोई गड़बड़ न हो इसके लिए उनका साथ देना जरूरी था। वे लिखते हैं कि उन्हें मालूम था कि इस फैसले के लिए उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में तो जसवंत भी आतंकियों से किसी भी तरह का समझौता करने के खिलाफ थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के आगे बिलखते यात्रियों के परिजन को देखकर उनका दिल पसीज गया। जसवंत सिंह की बात करें तो हमेशा राजनीति अपने शर्तों पे की, भाजपा में होते हुए भी कभी बाबरी मस्जिद घटना हो या हिंदुत्व की राजनीति के पक्षधर नहीं रहे, और यही कारण था कि अपने क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को उनका जबरदस्त समर्थन हासिल था। उनके क्षेत्र के सारे मुसलमान उनके पक्षधर रहे, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी जसवंत सिंह के नाम पर पार्टी से अलग हो जाते थे। ऐसा समर्थन भाजपा के लिए आज के दौर में देखना नामुमकिन सा नजर आता है। साल था 2001 जब भारतीय सांसद पर हमले किए गए थे। उस वक्त सारी राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए एकमत थी, यहाँ तक कि सेना भी सीमा पर तैनात हो चुकी थी। उस दौरान जसवंत सिंह पर आरोप लगे कि ऐसा ना होने देने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध से दोनों देशों के रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते। उसके बाद मुनाबाव खोखरा पार के बीच थार एक्सप्रेस चलवाकर उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते के बीच सुधारने के लिए कदम बढ़ाया था। एक निजी चैनल पर जसवंत से जब कहा जाता है कि जिस बस को लेकर लाहौर गए थे पाकिस्तान ने उस बस की हवा निकाल दी थी, इसके जवाब में जसवंत कहते हैं कि देश हित के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसलों पर इतनी हल्की टिप्पणी करना सही बात नहीं है। ये कहानी ये भी है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से वर्चस्व की लड़ाई की। कभी वसुंधरा को पहली बार सीएम बनाने में भैरव सिंह शेखावत के साथ साथ जसवंत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। दोनों परिवारों के बीच करवाहट यहाँ तक बढ़ गई कि वसुंधरा राजे को देवी के रूप में पूजे जाने पर जसवंत की पत्नी शीतल कंवर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज करवाने थाने पहुंच जाती है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वसुंधरा भी जसवंत के खिलाफ मामला दर्ज करवा देती है। होता क्या है, जसवंत सिंह अपने पैतृक गांव जसोल में रियान का आयोजन किया। रियान एक रस्म है राजस्थान का जिसमें अफीम एक दूसरे को देकर मनुहार करते हैं। इस रस्म को निभाने के क्रम में वसुंधरा के इशारे पर पुलिस ने उनके खिलाफ अफीम परोसने का मामला दर्ज कर लिया। जसवंत सिंह ने अपने 82 साल के कठिनाइयों से भरे करियर में 7 किताबें लिखे, जिनमें से सबसे चर्चित किताब जिन्ना इंडियन पार्टीशन इंडिपेंडेंस रही। चर्चित कहें या करियर खत्म करने वाली किताब,
क्योंकि उस किताब में एक तरीके से जसवंत ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष होने का सर्टिफिकेट देते नजर आए थे। अपनी किताब में उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू को देश के विभाजन के खिलाफ जिम्मेदार ठहराया था। जसवंत ने तो अपने हिसाब से किताब लिख डाली, पर ये बात भाजपा और आरएसएस को हजम नहीं हुआ। किताब में लिखी बातें भाजपा और आरएसएस की सोच से मेल नहीं खाती थी और इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2009 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि एक साल बाद 2010 में पुनः बीजेपी में शामिल होते हैं। साल 2014 की बात है, जब मोदी देश भर में चुनावी रैलियों में मशगूल थे, तब जसवंत सिंह ने पार्टी आला कमान के सामने एक मांग रखी। मांग क्या था? जसवंत चाहते थे कि अपनी अंतिम चुनाव अपनी जन्मभूमि बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वे अकेले पड़ गए थे। इधर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं के किनारे करने की राह पर थी। अटल जी राजनीति से दूर थे और भैरव सिंह शेखावत पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी भी संघर्ष कर रहे थे। कुल मिलाकर कहे तो बीजेपी की कमान जिनके हाथों में थी उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो जसवंत के साथ खड़ा होता। टिकट दिया गया किसे? तो कुछ ही दिन पहले पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस नेता सोनाराम चौधरी को। कहा जाता है कि इस आपसी कलह के कारण वसुंधरा राजे ने भी उनका टिकट कटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जसवंत ने फैसला किया कि चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम का दिन, मई का महीना, दोपहर का वक्त, तपकर तंदूर बनने को तैयार रेगिस्तान की सुनी सड़कें, सबकी निगाहें टीवी पर आते चुनावी नतीजे पर। 2 बजे के आसपास खबर आती है कि बीजेपी के उम्मीदवार सोनाराम चुनाव जीत गए और उसके बागी उम्मीदवार जसवंत सिंह तकरीबन 1 लाख वोटों से चुनाव हार गए। राजस्थान भाजपा का ज्यादातर कार्यकर्ताओं में यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ जाती है। एकाध को छोड़कर जिन्हें याद रहता है कि कभी जसवंत का मतलब ही उनके लिए भाजपा ही हुआ करता था। 1980 में जो जसवंत सिंह की जो नाव राजनीति की नदी में चलना शुरू हुई थी, वह देश के कई मसलों पर किनारे लगाकर 2014 के एक भंवर में फंस गई। 2014 के लोकसभा चुनाव के कुछ दिन बाद वे अपने घर के बाथरूम में गिर गए। तभी से वे लगातार कई सालों तक कोमा में रहे। आखिर थे तो जसवंत इंसान ही, कब तक मौत से आंख मिचौली खेलते। 27 सितंबर 2020 को सुबह करीब 6:55 पर उनका निधन हो गया और इसके साथ भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शांति का उनका सपना भी अधूरा रह गया। इसे लेकर कभी उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही माँ के सिजेरियन प्रसव से पैदा हुई संतानें हैं। कैसा लगा आपको ये किस्सा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए, किस्सों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।